अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक विवाद जो कई दशकों से चलता आ रहा है। इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी हैं, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मसले का हल कभी नहीं ढूंढा गया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, राम जन्मभूमि न्यास की ओर से दलीलें रख दी गई, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन ने अपनी दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। इन 40 दिनों की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, कौन कौन से मोड़ आए, इन्हीं तमाम मसलों पर आज हम बात करेंगे अपने खास शो तारीख पर तारीख अब नहीं। लेकिन इससे पहले चलिए इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। तारीख पर तारीख अब नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साफ कर देने के बाद अब 40 दिन चली सुनवाई पर विराम लग गया माना जा सकता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुन लिया है। इस बीच सुनवाई के दौरान कोर्ट में रस्साकशी तो बहुत हुई, लेकिन 40 दिनों की सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष में जबरदस्त उत्साह है, यहाँ तक कि बयान देने में भी देरी नहीं कर रहे। वह समय आ गया है और अब इसका निस्तारण हो जाएगा और मंदिर का निर्माण होगा। मुझे लगता है हिंदू मुसलमान दोनों भाई अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे और पूरा सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, पत्ता तक हिंदुस्तान में नहीं हिलेगा। लगातार चली सुनवाई के बाद तारीखों का वो दौर जो 134 सालों से चला आ रहा था अब खत्म हो रहा है। दोनों ही पक्ष अपने अपने साक्ष्यों और सबूतों को रख चुके हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी ये उम्मीद जताई है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना तय है। हम ये समझते हैं कि फैसला मंदिर पक्ष में आना चाहिए। मंदिर पक्ष ने जो जिस तरह से अपनी दलीलें रखी हैं वो ये साबित करने के लिए बहुत हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं कि वो जो स्ट्रक्चर वहाँ बना था उसके नीचे एक पुराना मंदिर मौजूद था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले के इंतजार में है और उसने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होगा। जब हम कोर्ट गए हैं तो जो है इत्मीनान भी लोगों को रहता है, फैसला कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। हमें अपने हिंदुस्तान के कानून पर भी यकीन है और यहाँ के सारे हालात पर भी इस बात का हमें यकीन है कि इंशाल्लाह के जो कुछ अदालत में तय होगा वो सब उसको कबूल करेंगे। इस बीच ये माना जा सकता है कि दशकों से चली आ रही सुनवाई अब खत्म हो चुकी है और फैसला आने तक अयोध्या को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।